न्यूज से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें बुंदेलखंड न्यूज चैनल और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुरानी पेंशन और आंगनबाड़ियों के मानदेय को लेकर आज तहसील परिसर में शिक्षकों ने और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कलमबंद हड़ताल शुरू की है। शिक्षक कर्मचारी संघ ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक और कर्मचारी संघ काफी दिनों से आंदोलनरत हैं और मौजूदा सरकार को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं। आज चित्रकूट के शिक्षकों, कर्मचारियों व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जिला मुख्यालय की सदर तहसील में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांगे न माने जाने पर आगामी लोकसभा चुनाव में भी सबक सिखाने की धमकी दी है। उसमें बैठक में वार्ता हुई थी जिसमें उन्होंने आंगनबाड़ियों का मानदेय 9,500 करने की बात कही थी। आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं किया है, ना उसकी घोषणा किया है, उसी के विरोध में आंदोलन। यह हमारा 4 दिवसीय आंदोलन है, आज इस आंदोलन का दूसरा दिन है और हमारी मांग वही है कि जो बीजेपी सरकार ने 120 दिन के अंदर हमको 18,000 का वादा किया था वो हमको पूरा करके दे। प्रथम मांग हमारी ये है और द्वितीय मांग हमारी है कि बाहर से ना प्रमोशन करके 100% प्रमोशन हमारे ही विभाग से किए जाए, हमारी आंगनबाड़ियों को प्रमोट किया जाए। हम कल फोन से हमारे DPO और CDPO ने समस्त आंगनबाड़ियों को फोन द्वारा जहां तक सूचना दे पाए हैं उन्होंने सूचित किया है और एक लेटर भी जारी किया है निदेशक जी के महोदय के अंतर्गत से कि इन लोगों का सेवा समाप्त कर दी जाएगी जो लोग आंदोलन में है। ये तो हमारी हड़ताल है, जो प्रभावित होगा होने दीजिए, हम तो अपना लक्ष्य लेके चल रहे हैं। पेंशन हमको चाहिए, पुरानी पेंशन की हमारी लड़ाई है। सरकार जब तक हमको पुरानी पेंशन नहीं देती ये हमारी लड़ाई चलेगी, चाहे जो भी सरकारी कार्यालय प्रभावित हो, शिक्षा का कार्य प्रभावित हो, इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, कर्मचारी शिक्षक नहीं।